Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope बहुत ही बढ़िया होंगे. So आज की वीडियो स्पेशली रॉयल इनफील्ड लवर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज हमारे पास इस डार्क सीरीज में मोस्ट डिमांडिंग कलर स्टील ब्लैक, जैसा कि आप देख सकते हो कितना प्रीमियम लग रहा है. ए टू जेड सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो 2,17,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है. ऑन रोड स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट इंदौर में अराउंड 2,50,000 रुपीज़. तो देखते हैं क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, सारी गाड़ी को एक्सप्लोर करेंगे. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं बाइक के फ्रंट से. तो कुछ इस टाइप की कीज़ आपको इसमें देखने को मिलने वाली है. एंड अगर फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे ना, तो अगर आप ओल्ड क्लासिक से कंपेयर करोगे तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको ऐसे ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं. वो इसका रेट्रो लुक बरकरार रखा है. हेलोजन लाइट्स मिल जाती है हाई बीम एंड लो बीम के साथ. कंपनी चाहती तो इसमें मीटियोर जैसे LED DRLs या LED अपग्रेड कर सकती थी, बट वो एक क्लासिक मतलब एक पूरा रॉ लुक मेंटेन रखना था, इसलिए प्रोफाइल ऐसी रखी गई है. यहाँ पर अगर टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो अगेन आपको नॉर्मल हेलोजन में मिल जाते हैं, बट ये आपको पूरा ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में मिलने वाला है. जैसा कि आप देख सकते हो ये बाइक पूरी ब्लैक है, तो इस पर जो भी क्रोम ट्रीटमेंट है ना, काफ़ी इनहांस हो रहा है. यहाँ पर आपको पायलट लैंप्स मिल जाते हैं येलो कलर में. एंड अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं. स्पेशली ये पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ब्रॉड कर दिए, जिससे जो भी कोई अनसर्टेन ब्रेकर्स है या आप ऑफ रोडिंग के लिए भी एक बाइक को कंसिडर कर रहे हो ना, तो बिल्कुल भी हैंडल बार पर वाइब्रेशन नहीं आने वाले. ये इस गाड़ी की खासियत है. फ्रंट एज वेल एज रियर में ड्यूल डिस्क ब्रेक विद ड्यूल ABS मिलने वाला है. फाइब्रे के डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं 300 mm के. तो ओवरऑल अगर आप हाई स्पीड भी चला रहे हो इस बाइक को, जैसा कि बहुत ही रिफाइंड इंजन आपको मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली आप हाई स्पीड ले जाओगे, तो ब्रेकिंग में आपको नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस ये गाड़ी देने वाली है. अब अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 100/90 R19 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं. अब 100 सेक्शन है तो देखो आगे से काफ़ी ब्रॉड लग रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से इसकी बोल्ड प्रोफाइल है ना, उसके ऊपर ये पतले नहीं लग रहे, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, जिससे आप कॉर्नरिंग भी कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़िया मिलने वाला है. तो फ्रंट में इतना ही था, अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की ओर. सबसे पहले तो यार साइड से आप इसका रोड प्रेजेंस देख सकते हो और कितनी अमेजिंग लग रही है. जब कंपनी ने BS6 बुलेट में जब नेक्स्ट जेन नहीं आया था, तब भी स्टील ब्लैक लॉन्च करा था ना, उसके बाद से लोगों को बहुत पसंद आने लग गई थी ये गाड़ी. यहाँ पर अगर हम आए फ्यूल टैंक की ओर, तो आपको 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जिस पर ये सिल्वर टाइप की पूरी बैजिंग है. ओवरऑल मैट कलर तो यार बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, बट अगर आप ये कलर लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि इस कलर का मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है. और फाइनली अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो जैसा कि अब आपको इसमें J प्लेटफॉर्म वाला इंजन मिलता है, जो कि सेम मीटियोर 350 में आता है. तो इंजन बहुत ही रिफाइंड है. 349.3 cc का 4-स्ट्रोक एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि अराउंड 20.21 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क. पावर फिगर सफिशियंट है, काफ़ी बढ़िया है, रिफाइंड गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है. बट जहाँ तक कि माइलेज की बात आती है ना, वो इंडिविजुअल राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है. अब मैंने मीटियोर से टैंक टू टैंक माइलेज करा था, जब हमने इकोनॉमी पर चलाई थी तो अराउंड 43 से 44 भी दे देती है, बट आपको सिटी रन में 30-35 देगी. एंड अगर आप आराम से चला रहे हो हाईवे पर, तो अराउंड 38 से 40 तो ईजिली निकाल देगी. बट ओवरऑल आप इसके लुक्स देख सकते हो. एक बड़ा चेंज आपको ये देखने को मिलता है कि सीट्स में अब आपको पहले जैसी स्प्रिंग नहीं आती. यहाँ पर देखेंगे तो आपको अगेन क्लासिक 350 की बैजिंग मिल जाती है. एंड ये पूरी सिल्वर एंड ये रेड फिनिश पूरी रखी गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है. गियर ट्रांसमिशन की बात करें तो 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, 1 down 4 up या 1 down 4 back आप लगा सकते हो. यहाँ पर आपको पैडिंग भी मिल जाती है, जिससे दो चीज़ें, अगर आप शॉर्ट्स वगैरह में बाइक को राइड कर रहे हो या स्पेशली समर सीजन में चला रहे हो, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी हीट फील नहीं होगी लेग्स पर. और दूसरी चीज़, ग्रिपिंग काफ़ी बढ़िया रहती है इससे. सीट्स देख सकते हो आप कितनी बढ़िया अपोल्स्ट्री में मिल जाती है. तो अब मैं आपको इस पर बैठ कर इसकी सीट हाइट बता देता हूँ. जैसा कि क्लासिक की हाइट पहले से ही बहुत ज़्यादा रही है, अगर मैं मीटियोर से भी कंपेयर करूँ तो 805 mm की सीट हाइट मिल जाती है. और देखो मेरी एक एवरेज इंडियन इतनी हाइट है, तो देखो यार मेरे पूरे पैर तो नहीं टिक रहे हैं, बट हाँ ऑलमोस्ट दोनों जगह टिक रहे हैं, बिकॉज इसकी सीट भी कुछ इस टाइप से डिज़ाइन करी है ना. तो जो कोई अराउंड 5'7" 5'8" है ना, वो इस गाड़ी को इजीली चला सकता है, या फिर 6 feet टॉल राइडर्स भी इसको इजीली चला सकते हैं. बट वो चीज़ आपको मीटियोर के साथ नहीं मिलने वाली है. मीटियोर स्पेशली मतलब 5'3" 5'4" लोग इजीली चला सकते हैं. 5'8" 5'9" के ऊपर मीटियोर पर लोग काफ़ी छोटे लगते हैं. तो जिनका मीटियोर लेने का प्लान है, थोड़े टॉल हाइटेड हो, तो आप इस पर जा सकते हो. गाड़ी वेटेड भी है,
195 केजीस का बाइक का वेट है, तो बहुत ही स्टेबल चलने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, चेसी भी अपग्रेड कर दी गई है, अब काफ़ी ड्यूरेबल हो गई। जो आपको मीटियोर में देखने को मिलती है वही अब क्लासिक में भी मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस पहले के कंपैरिजन में बढ़ा दिया है, 170 mm का कर दिया है। पहले भी टकराने जैसा इशू हो तो कोई क्लासिक के साथ आता नहीं था, बट अगर आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए भी आप कंसिडर करना चाहते हो तो ऐसा जैसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर अगर आप रियर सस्पेंशन की ओर आते हैं ना, सस्पेंशन ना ही ज़्यादा सॉफ्टर साइड है ना ही स्टिफर साइड है, जैसा कि एक वेटेड बाइक है। पीलियन को जर्क्स वगैरह फील नहीं होंगे। ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, साड़ी गार्ड भी कंपनी ने प्रोवाइड करा है। चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की ओर। तो अगर आप साइड से देखोगे, फ्रंट से देखोगे, तो पहली बार में कोई पुराना आदमी जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो ऐसे पता नहीं कर पाएगा कि यार ये नया वेरियंट है कि पुराना। बट अगर हम इसके रियर प्रोफाइल की ओर आते हैं ना, तो जो बोल्ड एंड मस्कुलर लुक अब इसमें प्रोवाइड करा गया है ना, उसी से आप पता लगा सकते हो ये नेक्स्ट जेन वेरिएंट है। यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया टेल लैम्प मिल जाता है, स्पेशली जो मडगार्ड है ना, अब काफ़ी बढ़िया लग रहा है, एक बोल्ड लुक इस गाड़ी को दे रहा है। यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर रियर टायर सेक्शन की बात करें, 120 सेक्शन टायर्स प्रोवाइड करें जो बढ़िया लग रहे हैं देखने में। और स्पेशली अगर आप इसके एग्जॉस्ट की बात करें, जैसा कि पूरा ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है, तो अब इसका एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुना देता हूँ। हम काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है, अब आपको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज BS6 के कारण आपको यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर O2 सेंसर मिलता है। तो आप कौन सा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगाओगे ना, तो कोई इतना आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। चलते हैं इसके हैंडल बार एंड मीटर कंसोल की ओर, बिकॉज बहुत से चेंजेस आपको अब यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले हैंडल बार देखोगे ना, तो पूरी पोजिशनिंग चेंज कर दी है, अब काफ़ी बढ़िया, मतलब अगर आप लॉन्ग राइड्स भी क्लासिक से करना चाहते हो तो बैक पेन जैसा इशू नहीं आएगा। यहाँ पर अब जो ये है ना, सारी यूनिट आपको मिलती है मीटियोर जैसी। अगर मैं इसको ऑन करके दिखा दूँ तो कुछ इस टाइप का आपको वेलकम ये करने वाला है। 160 तक की स्पीड शो कर रहा है। पहली बार आपको क्लासिक 350 में MID मिलती है डिजिटल, जो कि यहाँ पर ओडोमीटर एंड फ्यूल लेफ्ट दिखा रही है। बेसिक सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर देगा। अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर तो आप यहाँ पर ट्रिपर नेविगेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ के जो सारे सेटिंग्स हैं आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 अगर आप रिजर्व पे लग जाएगी, ट्रिप F, टाइम, सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रहा है। ये पास स्विच है, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, उसी के नीचे हॉर्न एंड अपोजिट साइड आपको सेम मीटियोर जैसा इग्निशन स्विच मिल जाएगा। उसके नीचे आपको हैजार्ड भी इसमें प्रोवाइड करा गया है, तो अब आपको आफ्टर मार्केट जाकर हैजार्ड लगवाने की कोई भी नीड नहीं रहेगी। मिरर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यार हाई स्पीड पर थोड़े वाइब्रेट करते हैं कि नहीं। ऑल राइट गाइज, यही थी आज की वीडियो। वीडियो को एंड करते हैं तो मैं कंक्लूजन तो बताऊंगा नहीं, शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट, बिकॉज देखो इतने सारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं, बट जो क्लासिक लवर है जिसे रॉयल इनफील्ड की लेगेसी चाहिए वो इस बाइक के साथ जाता है। मतलब ट्रू रॉयल इनफील्ड लवर्स इस बाइक को परचेज करते हैं। आप में से किसकी ये ड्रीम बाइक है एक बार मेरे साथ कॉमेंट में जरूर शेयर कर देना। एंड यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसी के बाद आपको ओनर्स रिव्यू एंड राइड रिव्यू देखने को मिलने वाला है। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।